बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र BA फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो BA फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लेके आए हम लोग। देख लीजिए, सोशोलॉजी का पेपर आपका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, मतलब कि समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा है उनके परिचय के बारे में बात करेंगे। और ये 2022 का पेपर में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। और इन क्वेश्चन ये केवल MJP आर्य रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वालों के लिए, बरेली की जितनी भी यूनिवर्सिटी है बरेली यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MJP आर्य रोहिलखंड के लिए। तो आप इस छात्र जो भी छात्र MJP आर्य रोहिलखंड से, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप 85% प्लस लाने वाले हैं। आज के जो भी आप पेपर होने वाला है अभी हाल ही में, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी दोस्त पेपर आप दे के आएंगे, तुरंत उस पेपर का फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सअप नंबर 7037 3278 और 38, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7037 3278 38, इस पर आप मुझे तुरंत फोटो खींच कर व्हाट्सएप करेंगे और कोई भी क्यूरी है, कोई भी दिक्कत है, मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहला क्वेश्चन हम लोग याद करेंगे सोशोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, समाजशास्त्र कहते किसे, याद करेंगे और उसकी आलोचनात्मक अवधारणाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इस कथन की समीक्षा करिए, मतलब कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इस कथन का आपको वर्णन करना है, ठीक है, पूरा कथन का स्पष्ट करना है, क्यों है ये। एक आपसे पूछता है कि समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर पूछेगा, और साथ ही साथ समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में आपसे अंतर पूछेगा, क्या संबंध है आपस में, वो आप याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वही बात करूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा, समाज की परिभाषा क्या होती है, समाज की परिभाषा। दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये बनता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, स्पष्ट कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टिक लगाएंगे हम लोग, समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय की परिभाषा के बारे में याद करेंगे। और संस्था जानते हो, संस्था, संस्था किसे कहते हैं, संस्था जानते हो, संस्था, समिति, ठीक है, समिति अलग चीज होती है, संस्था अलग होती है, उन दोनों के बारे में याद कर लेना। याद एक आता है प्राथमिक समूह, एक होता है सामाजिक समूह, प्राथमिक समूह की परिभाषा याद कर लेना और प्राथमिक समूह की परिभाषा याद कर लेना है। और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ कह रहा है देखो, परिवार की परिभाषा, परिवार का कार्य क्या होता है, महत्व क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, विवाह की अवधारणा और परिभाषा, विवाह कैसे किया जाता है उसकी अवधारणा के बारे में याद करेंगे, और नातेदारी अवस्था के बारे में की परिभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट नातेदारी वाली। उसके बाद में आपसे पूछता है संस्कृति की अवधारणा क्या होती है, उसको स्पष्ट करिए, विशेषता के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे। और आप देखेंगे सहयोग क्या होता है, सहयोग का वर्गीकरण और सामाजिक संरचना की परिभाषा की विशेषता के बारे में याद करके जाएंगे। जो आपसे छुड़वा रहा हूँ उसको छुड़वा देंगे। यहाँ कह रहा है परिस्थिति एवं भूमिका, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट करिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि जो परिस्थिति और भूमिका होती है वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको स्पष्ट करना है। सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, इसका बंद आपको बताना है, परिभाषा बताना है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है खुला स्थिरीकरण, एक होता है बंद, बंद और खुला दोनों स्थिरीकरण के बारे में आप याद करके जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक गति, कह सकते हैं गतिशीलता क्या होती है, सामाजिक गतिशीलता क्या है, उनके प्रकारों को याद करिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको याद करना है सामाजिक शास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर, संबंध या फिर अंतर बात वही होती है ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करेंगे, एक समाज क्या होता है और परिवार और परिदेखो परिहार और परिहास, परिहास और परिहार मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों पूछ लेता है क्या है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा की अवधारणा के बारे में देखेंगे, शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, और दूसरा समाज राज्य की परिभाषा के बारे में याद करेंगे, उनके तत्वों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति समीक्षा, देखो संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति है वो सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है। और यहाँ बोला गया है सभ्यता की विशेषता बताइए, और एकीकरण क्या होता है ये पूछा गया है, सहयोगी और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है ये हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन याद करेंगे। वहीं बात करें कह सकते हैं व्यवस्थापन क्या होता है, उसकी परिभाषा, संघर्ष किसे कहते हैं, संघर्ष के बारे में याद करेंगे। और सात्मीकरण क्या होता है, सात्मीकरण आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में याद करेंगे प्रदीप्त और अर्जित परिस्थिति होती है, परिस्थिति के बारे में, अंतर के बारे में देखेंगे। सामाजिक प्रतिमान मानव दंड जो होता है उसके बारे में याद करेंगे। भूमिका कह सकते हैं भूमिका द्वंद जो होता है उसके बारे में याद करेंगे। और जननीति क्या होती है, उसकी विशेषता, जननीति क्या है उसकी विशेषता के बारे में,
लोकाचार का महत्व के बारे में याद करेंगे, ठीक है, सामाजिक मूल्य क्या है इसके बारे में याद करेंगे। ये है 2022 में आने वाले क्वेश्चन, बस इतना पढ़ना है, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं, आप टॉप करोगे 2022 के एग्जाम में, मैं आपसे मुझे पता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय बाय।